31, they are looking after. Tense कौन सा? Present continuous. Present continuous का passive में क्या आएगा? Is, are, am, being. Third form कितनों में दिया हुआ है? हट गया line से, हट गया line से. Is looked कैसे आया? हट गया line से. Check करो first option को. Clear? The child is being looked after by them jointly. बच्चे की देखभाल उनके द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है. 32. अच्छा क्वेश्चन है. टेंस पहचानो. आर प्लस थर्ड फॉर्म किसके पैसिव में आता है? सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में यूज करते हैं. जब इसका सिंपल प्रेजेंट से एक्टिव बनाऊं, सॉरी सिंपल प्रेजेंट के पैसिव से एक्टिव बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? V1 या फिर V5. ढूंढो कितनों में दिया हुआ है. चारों में आ गया लेकिन डिड दिया, लाइन से हट गया. कोई भी इंटर, ये आर स्पीकिंग कहां से आया? हट गया लाइन से. ये भी V1, ये भी V1. ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर. क्योंकि क्वेश्चन हमारा इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बिना पॉसिबल होगा ही नहीं. तो ढूंढो हेल्पिंग वर्ब कितनों में दी हुई है? एक में दी हुई है. और डू ही क्यों यूज किया? क्योंकि सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? इंडियंस. क्वेश्चन घुमाया गया है इन इंडिया को, क्या कर दिया उन्होंने? इंडियंस. ठीक है, हिंट कहां से मिला हमको? स्ट्रक्चर से. बस टेंस को पहचाना, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव था, एक्टिव बनाया, उसकी वजह से ये हट चुकी थी लाइन. ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हट गया हमारे से. कंफ्यूजन हुआ दो के अंदर. क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा इंटरोगेटिव है इसलिए मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ा? डू. खत्म काम. डन. थर्टी थ्री, सिंपल सीधे पकड़ो मेन वर्ब को. मेन वर्ब कौन सा? एडमायर्स, सराहना, पसंद करना. ठीक है, V5 तो पैसिव एक्टिव में है या पैसिव में है? V5 तो एक्टिव में आएगा, पैसिव में तो आएगा नहीं पहली बात. तो चेज, रिमूव. ये वॉस कहाँ से आया? यही भी हट गया. बीइंग कहाँ से आया? ये भी हटा. सिंपल प्रेजेंट का पैसिव इज आर एम, थर्ड फॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट 34, द मैनेजर ग्रांटेड मी 2 days लीव. ग्रांट अनुमति देना. ठीक है, हिंट क्या मिला? V2. ऑब्जेक्ट कौन है? मी. टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या होगा? इज आर एम, थर्ड फॉर्म. कितनों में दिया हुआ है? गया काम से, गया काम से. आई ग्रांटेड तो होगा नहीं, पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. गया काम से. फोर्थ को चेक करो, सिंपल पास्ट के पैसिव में वॉज, वर, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. नेक्स्ट पे आते हैं 35, दे शुड शूट द टेररिस्ट्स डेड. कौन सा पैटर्न मिल गया? मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म. पैसिव में क्या करूंगा? मॉडल प्लस बी प्लस साथ में थर्ड फॉर्म लगा दूंगा. बीन लगा दिया, नॉट पॉसिबल. ये हैव बीन कहाँ से आया? ये भी हटा लाइन से. हैव बीन वापस से आया, ये भी हटा लाइन से. पीछे आंसर कौन सा बचा? शुड प्लस बी प्लस साथ में थर्ड फॉर्म आ चुकी है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन था? टेररिस्ट. आगे आ गया. डन. नेक्स्ट 10th कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा? पैसिव में है, उल्टा चलना पड़ेगा तो क्या लगाएंगे? V1, V5. कितनों में दिया हुआ है? नॉट पॉसिबल. आर मेकिंग, नॉट पॉसिबल. बीज सब्जेक्ट जो है प्लूरल है
तो प्लूरल के लिए वर्ब भी आएगा प्लूरल, कौन सा होता है, वी वन या वी फाइव? वी वन. पीछे कौन सा आंसर? फोर्थ ऑप्शन. प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल. वी वन वी फाइव में से वर्ब की फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल है. सैम वॉज नॉमिनेटेड बाई माई फ्रेंड्स फॉर द पोस्ट, कौन सा? सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट का पैसिव, जब इसका एक्टिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? खत्म काम, गया काम से. वी फाइव नॉट पॉसिबल, इज नॉमिनेटिंग नॉट पॉसिबल. पीछे बचा सेकेंड फॉर्म माई फ्रेंड्स, इसको ठीक करना, माई फ्रेंड्स करना सब में, ठीक है. मेरे फ्रेंड्स ने नॉमिनेट किया, सिंपल पास्ट का एक्टिव बनाया, एक्टिव से पीछे वापस बनाया पैसिव, तो सही चल रहा है मामला. क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. 38 क्वेश्चन को पढ़ना. मॉडल हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हमको कहाँ मिलता है? पैसिव में. किसका पैसिव बनता है ये? मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर, यानी दिया हुआ है ये पैसिव में, बनाऊंगा इसका किसको? एक्टिव में. ढूंढो किस में दिया हुआ है. पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. विल बी, आगे वुड भी बोल रहा है, वुड हैव. समवन विल हैव, नॉट पॉसिबल. पीछे कौन सा बचा? थर्ड ऑप्शन आंसर है हमारा. मिल गया आंसर? वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है. वुड का वापस वुड, हैव का वापस हैव, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म. मतलब कि जो बीन दिया हुआ था वो पैसिव में, जब उसका एक्टिव बनाएंगे तो वो बीन हट गया वहां से, खत्म काम. कौन सा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट 39, द ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड. टेंस कौन सा? सिंपल फ्यूचर. स्ट्रक्चर कौन सा? पैसिव. जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो ये सिंपल फ्यूचर के पैसिव से एक्टिव बनाने के टाइम पर जो विल शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है उसका एक्टिव बनाने पर क्या बचेगा? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनों में दी हुई है? डिस्कसेस नॉट पॉसिबल, डिस्कस्ड नॉट पॉसिबल, हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं, नॉट पॉसिबल. हेल्पिंग वर्ब साथ में फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? आगे आंसर पकड़ में. फोर्टी, दे आर बीइंग बिटन बाय मॉस्किटोज, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. टेंस कौन सा? प्रेजेंट. और प्रेजेंट में भी कौन सा? कंटिन्यूअस. स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कौन सा? पैसिव का. जब इसको मैं एक्टिव बनाऊंगा तो वापस से मुझे इज आर एम लगाना पड़ेगा, साथ में क्या लगाना पड़ेगा? वी फोर. ढूंढो. हैड गया, हैव गया, आर साथ में बीटन क्यों आया? वी फोर आना चाहिए, गया लाइन से. क्या फर्स्ट ऑप्शन आंसर है? यस. क्लियर? फोर्टी वन, पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलन. अच्छा क्वेश्चन है. दो जगह आ रही है वर्ब, ठीक है. ये हिम हमारा कौन है? दोनों ही जगहों पर ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने इसको आगे लेके आए. टेंस पहचानो, सिंपल पास्ट तो पैसिव में क्या आएगा? वॉज. इज तो पॉसिबल नहीं, ये हट गया. अब ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर,
ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, तीनों के अंदर यहाँ तक मामला सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी तो V2 दे रहा है, यहाँ पर भी V2 दे रहा है, तो इसका भी पैसिव जब बनाऊंगा तो क्या बनेगा? वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो ये हैड क्यों आया? नॉट पॉसिबल। वॉज कॉल्ड, आगे इज कॉल्ड, ये भी गया लाइन से, पीछे कौन सा बचा आंसर? थर्ड, ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, वह एक इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मीनिंग बहरूपिया, बहरूपिया माना गया। एंड वॉज, ये भी सिंपल पास्ट का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, ये भी सिंपल पास्ट का पैसिव बनाया गया। दोनों ही पार्ट्स को हमने सेपरेटली पैसिव के अंदर चेंज किया है। नेक्स्ट 42, आयुर्वेद मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्रीट ए होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। टेंस मेक्स, मेक्स मतलब कि टेंस कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कौन सा? एक्टिव में। जब पैसिव में यूज करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, हैज बीन, ठीक है। यूज टू कहां से आया? नॉट पॉसिबल। ए होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स आर वाइड यूज ऑफ जिंजर इज मेड, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? वाइड यूज ऑफ जिंजर्स, जिंजर अदरक का उपयोग, ऑब्जेक्ट तो हमारा ये है, तो पीछे कौन सा बचा हमारा आंसर? वाइड यूज, उपयोग जिंजर का सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया हमने? इज के साथ में पैसिव थर्ड फॉर्म चल रहा है हमारा। टू ट्रीट ए होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, बहुत सारी बीमारियों के समाधान के लिए। नेक्स्ट 43, Why did he deprive you of your membership? टेंस कौन सा पकड़ में आया? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव, सिंपल पास्ट को एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो फिर ये हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट। इसको जब आगे लेके आऊंगा तो सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाऊंगा? वर, आर, नॉट पॉसिबल। Why he deprived, बिना helping वो interrogative बना दिया, not possible। Object हमारा कौन है? Your membership या you? You हमारा object है, ये भी गया काम से। क्या structure right है? Why were you deprived, तुम वंचित क्यों कर दिए गए? किस से? तुम्हारी membership से। Fourth हमारा answer है। नेक्स्ट 44, ही जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर। सिंपल सा क्वेश्चन, V2, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या आएगा? वॉज वर, नॉट पॉसिबल। जेंटली वॉज माई, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है? मी। जब ये मी उठकर आगे जाए क्या बन जाएगा? आई, कौन सा आंसर? आई वो जेंटली टैप्ड। Why should they punish the innocent? Should model, साथ में verb की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में क्या कर देंगे? Model प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। Should be punished, should be punished, should be कितनों में दिया हुआ? सब में दिया हुआ है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट को देखो, innocent, innocent उठकर आगे आएगा तो फिर why should द इनोसेंट होना चाहिए। ये वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे, सॉरी दे कैसे आया? गया काम से। हेल्पिंग डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद कैसे आया? गया काम से। कौन सा आंसर? फोर्थ, वाई शुड द इनोसेंट, शुड आया तो साथ में पैसिव में बी थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा दे नीचे आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 46, सेम वही केस, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी क्वेश्चन किस में दिया हुआ है?
पैसिव के अंदर इसी का उल्टा चलेंगे, पैसिव से इसको एक्टिव बनाएंगे तब क्या करेंगे, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो फिर ये बी कहाँ से आया, गया काम से, बी वापस आया, गया काम से। दे शुड टीच म्यूजिक इन एवरी स्कूल, दे शुड टीच एवरी स्कूल ऑफ म्यूजिक, पढ़ाना क्या है म्यूजिक, तो फिर क्या होगा, ये भी गया काम से, पढ़ाना है क्या चीज़ म्यूजिक, ये आगे आएगा। म्यूजिक शुड बी टॉट, म्यूजिक पढ़ाना चाहिए, कहाँ पर पढ़ाना चाहिए, हर स्कूल के अंदर। पैसिव क्या बनाया कि उन्हें, उन्हें कहाँ से आया, क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव में है, तो इस बाय देम को अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए क्वेश्चन में रिपीट नहीं किया गया है। गॉट इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट 47, समवन इंट्रोड्यूस मी टू डॉक्टर मार्टिन यस्टरडे, टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या होगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म। इंट्रोड्यूस किया, किसको किया, मेरे को किया, तो फिर स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, कैसे सोचो भाई, सेंटेंस का मीनिंग क्या बोल रहा है, किसी ने मेरा परिचय करवाया, किससे करवाया, डॉक्टर मार्टिन से करवाया, तो फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना, कि मेरा परिचय किसी के द्वारा, इस बाय समबडी को पीछे रिपीट नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। समबडी खुद सब्जेक्ट है तो ये वापस पैसिव में कैसे बनेगा सब्जेक्ट, इसलिए इसको मैंने कट किया, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि मेरा परिचय करवाया, ना कि डॉक्टर मार्टिन का परिचय करवाया। हाँ, फोर्थ आंसर जो है वो भी पॉसिबल होता, लेकिन यहां पर पूरा मीनिंग चेंज हो गया इसलिए। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बींग प्लेड, वॉज बींग थर्ड फॉर्म, किसका टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव में दिया हुआ है, चेंज कर दो एक्टिव के अंदर, एक्टिव में क्या बन जाएगा, वॉज वर आईएनजी फॉर्म, बस आर नॉट पॉसिबल, वापस आर नॉट पॉसिबल, वर दे प्लेइंग या दे वर प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, क्योंकि वापस से हमको क्वेश्चन क्या बनाना है, इंटरोगेटिव ही बनाना है इसलिए। डन, नेक्स्ट 49, द फॉरेनर्स प्रेज्ड रविंद्रनाथ गीतांजलि, वर्ब मिला साथ में, इग्नोर्ड इट इन द बिगिनिंग, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा है। पहली बात, प्रेज दिया तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो ये हटिया लाइन से हमारे जरूरत नहीं पड़ी पूरे ऑप्शन को पढ़ने की, ठीक है। द रविंद्रनाथ गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाय फॉरनर्स, इट हैड बीन, क्यों, यहां पर तो वी टू दिया हुआ है, जब वी टू दिया तो ये हैड बीन कहां से आया, ये भी हटिया लाइन से। थर्ड वाले में वापस से वही कहानी, हैज बीन कहाँ से आया, हटिया लाइन से, पीछे क्या बच गया, वॉज प्रेस्ड, वॉज इग्नोर्ड, ये भी वी टू तो पैसे बनाया वॉज थर्ड फॉर्म, ये भी वी टू तो पैसे बनाया वॉज थर्ड फॉर्म, क्लियर है। सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, पूरे अभी तक हमने क्वेश्चंस कर लिए 50 के आसपास, ठीक है, सब में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको, मेन वर्ब या सेंटेंस के टेंस के चेंज को। 50, द सिक्योरिटी गार्ड्स हैड ब्लॉक्ड, हैड ब्लॉक्ड मतलब सेंटेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट का, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव है, पैसिव में क्या करूँगा, हैड तो आएगा ही आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगा ही आएगा, बीच में बीन लगा दूंगा, गया काम से, गया काम से, गया काम से, पीछे कौन सा बचा, कन्फर्म आंसर हमारा यही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है, एवरी एग्जिट आगे लेके आया, हैड बीन थर्ड फॉर्म किसके द्वारा, बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, खत्म काम, डन। नेक्स्ट 51, ही नीदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स देम, अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ फॉर्म, अगेन फिफ्थ फॉर्म, वह ना तो उनसे क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, और ना उनकी, उनको या उनकी बात समझ पाता है, दोनों जगह V5,
दोनों जगह वी फाइव, तो दोनों जगह सिंपल प्रेजेंट, दोनों जगह सिंपल प्रेजेंट एक्टिव का या पैसिव का? एक्टिव का। वी फाइव तो एक्टिव में आएगा, पैसिव तो बनने नहीं वाला, ठीक है, पैसिव में आता ही नहीं है वी फाइव तो। पहली चीज वी फाइव है तो फिर ये वर कहाँ से आया, हट गया लाइन से, ठीक है। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट के, पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे? इज आर एम थर्ड फॉर्म देखते हैं। देम हमारा ऑब्जेक्ट है, दे आगे आ चुका है बन के वो, नीदर क्वेश्चन्ड और नीदर का पेयर किससे बनता है? नॉर से, ये भी गया काम से। दे आर नीदर क्वेश्चन्ड नॉर अंडरस्टूड बाय हिम, दे आर नीदर क्वेश्चन्ड नॉर, एक और पकड़ में आ गया। हैव बीन कहाँ से आया? यहाँ पर वी फाइव तो आर प्लस थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस सेम चल रहा है तो यही आर को हमने इसके लिए भी और इसके लिए भी काम में लिया है। आगे पकड़ में आंसर। नेक्स्ट, दे से रमन वर्मा हैज पेंटेड, ये स्ट्रक्चर हमने पहले करा है एक्सेप्शंस के अंदर, याद करिए। क्योंकि देखो जरा यहां पर आ गया याद, जो भी वर्ब दी सब्जेक्ट दिया जा रहा होगा उसको चेंज कर देंगे इट में। से, से मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो उसके टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब वी वन दिया हुआ है तो टेंस क्या बनेगा? इज आर एम थर्ड फॉर्म, कितनों में दिया हुआ है, हट गया लाइन से। इज बीइंग कहाँ से आया, ये भी हटा लाइन से। ये बन सकता है, ये बन सकता है, आगे देखते हैं। अब आगे हैज पेंटेड तो ये हैड क्यों बना, पीछे कौन सा बचा? इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द पिक्चर, द पिक्चर अब ऑप्शन भी दिया हुआ है, अदरवाइज होना क्या चाहिए था? दिस पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय रमन वर्मा, रमन वर्मा के द्वारा पेंट की गई है। नेक्स्ट 53, ऑल ऑफ देम नो द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये आगे कौन है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आऊंगा, साथ में पैसिव कौन सा बनेगा? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, तो ये हैव गया, वर गया, दो बचते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस आर, द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस आर, साथ में ये बीइंग कहाँ से आया, ये भी हटा लाइन से। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। नो के साथ में उसका फिक्स प्रीपोजिशन आता है कौन सा? टू, कंफर्म हमारा आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट 54, पीपल बिलीव्ड दैट, बिलीव्ड इस पैटर्न का हिंट दैट लगा होगा, तो सब्जेक्ट जो भी होगा उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर? इट के अंदर, दो मिल रहे हैं। वी टू है तो इट के लिए वॉस, वॉस दोनों सही है। बिलीव्ड का बिलीव्ड, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? दैट का दैट, दैट का दैट। द विचेस हैव कम्युनिकेटेड, ये हैव कहाँ से आया? आगे वाले पार्ट को हम पूरा का पूरा एज इट इज छोड़ देते हैं, याद आ गया। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है, चले आगे। आई शैल नेवर फॉरगेट, शैल फर्स्ट फॉर्म, टेंस पहचानिए, सिंपल प्रेजेंट एक्टिव, पैसिव में क्या बन जाएगा? विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में दिया हुआ है? शैल नॉट बी थर्ड फॉर्म। इज कहां से आया? गलत। विल नेवर, ठीक है। और शुड कहां से आया? एक्टिव में बोल रहा है नेवर, तो पैसिव में भी क्या होगा? नेवर। ऑब्जेक्ट कौन है मेरा? योर काइंडनेस। सिंपल फ्यूचर का विल आ गया, नेवर का नेवर आ गया, बी फॉरगॉटन। लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है, आई को रिपीट नहीं किया गया है। आउट ऑफ फोर ऑप्शंस यही हमारा आंसर होगा, इसी को आंसर मानना पड़ेगा। वैसे भी काइंडनेस के लिए शैल तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 56, ही मेड द चिल्ड्रेन वर्क हार्ड, ऑब्जेक्ट कौन? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन के लिए क्या आएगा?
वर वर कौन सा बनाओगे, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा रूल अप्लाई हो रहा है। चार वर्ब है हमारी काम की, बिड, मेक, हेल्प, लेट। अगर इन वर्ब्स का यूज हम एक्टिव में करते हैं तो साथ में इनके टू का यूज नहीं होने वाला, सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर इन वर्ब्स का यूज हम पैसिव में करते हैं तो साथ में इनके जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका कारण ये है, इन्फिनेटिव ना आकर बेर इन्फिनेटिव आता है, एक्चुअली रूल इसका ये कहता है। ठीक है, टू आ गया, वर्क आ गया, क्यों सेंटेंस पैसिव में बना रहे हो, इसलिए। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है, वर्ब कहता है, रूल कहता है, सिंपल सा, चार वर्ब्स अगर इनका यूज करते हैं एक्टिव में तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें, वी वन चाहिए। लेकिन अगर हम इनका यूज करते हैं पैसिव में तो वी वन तो होगा वर्क, साथ में टू भी आएगा उसके, कदम काम। ठीक है, डन। 57, दे आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल। ईजी सा है, आर प्लस आई एन जी, टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉज वर, सॉरी इज आर एम बींग, थर्ड फॉर्म। ये वॉज कहाँ से आया, गलत। इज आई एन जी बींग आया ही नहीं, गलत। वॉज कहाँ से आया, गलत। पीछे कौन सा बचा, इज आर एम प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड हमारा आंसर है, सिंपल है। 58, टेंस पहचानो। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का एक्टिव है या पैसिव है, यस पैसिव है, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ, ओनली वी टू ढूंढ लो। पीछे कौन सा बचा, आंसर हमारा आ गया पकड़ में, मैक्सिमम 4 सेकंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आराम से, हद है 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 ऑप्शन में वर्ब ढूंढना पड़ेगा, इसलिए। डैमेज्ड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, पैसिव कैसे बनाऊंगा, वॉज वर, थर्ड फॉर्म वुड बी, गलत। इज कहां से आया, गलत। द रूफ वॉज डैमेज, द रूफ वॉज डैमेज किसके द्वारा, स्टॉर्म के द्वारा या तूफान के द्वारा या तूफान में, तूफान में डैमेज होगी, इन आएगा, बाय नहीं आएगा, बाय तो आता है व्यक्ति के लिए। आगे पकड़ में, 50 वी वन दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में क्या आता है, इज आर एम थर्ड फॉर्म, हैज बीन कहां से आया, गया। वॉस कहां से आया, ये भी गलत। हैव बीन कहां से आया, ये भी गलत। पीछे आंसर सेकंड ऑप्शन, मैच करो। इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल को अनइम्पॉर्टेंट माना, इसलिए पीछे रिपीट नहीं किया गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है, क्लियर। 61, योर लिटिल बॉय ब्रोक माय किचन विंडो दिस मॉर्निंग। टेंस कौन सा, तुम्हारे छोटे से लड़के ने क्या करा, मेरे किचन के विंडो का कांच तोड़ दिया, वी वन, सॉरी वी टू। सिंपल पास, सिंपल पास का पैसिव अगेन वॉज वर, थर्ड फॉर्म, इज गलत। ये बीन कहाँ से आया, ये भी गलत। हैड बीन कहाँ से आया, ये भी गलत। पीछे कौन सा, वॉज ब्रोकन, विंडो सिंगुलर, इसके लिए हमने यूज भी कौन सा किया है, सिंगुलर वर्ब, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है, आया पकड़ में। 58, टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव, उल्टा चलिए क्या बनेगा, इज आर एम आई एन जी फॉर्म ढूंढो, हैज गलत, ये वॉज क्यों आया, गलत, हैज बीन क्यों आया, गलत। पीछे कौन सा बचा,
इज कंस्ट्रक्टिंग. क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन सिंगुलर है, इसलिए साथ में इसके हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा. आंसर हमारा डन. 64 वर्क पोस्टेड टेंस सिंपल पास्ट पैसिव. सिंपल पास्ट के पैसिव से एक्टिव चलोगे तो क्या आएगा? केवल V2. वर्क पोस्टिंग गया काम से. हैव पोस्टेड हैड पोस्टेड पीछे कौन सा बचा? बाय देम. देम को सब्जेक्ट माना गया, आगे लेके आ गया. टेंस के अकॉर्डिंग V2 लगाया, ऑल द लेटर्स पीछे आ चुका है. क्लियर? अब तो नहीं है, चलते हैं आगे. 64 वॉज किडनैप्ड. टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट. स्ट्रक्चर कौन सा? पैसिव का. एक्टिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा? V2 लगाऊंगा. 3rd ऑप्शन आंसर इसका. समवन, क्योंकि क्वेश्चन पैसिव में है, अनइम्पॉर्टेंट को रिपीट नहीं किया गया वहां पर. क्लियर? माई पेरेंट्स आर एडवाइजिंग मी. मुझे सलाह दे रहे हैं. आर एडवाइजिंग मी तो टेंस कौन सा है? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर ये पैसिव होता तो साथ में इसके इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म आता. यस. वॉज एडवाइज्ड नॉट पॉसिबल. हैड बीन एडवाइज्ड नॉट पॉसिबल. एम एडवाइज्ड कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि पैसिव में रखने के लिए क्या जरूरी था? बीइंग जरूरी था. मेरे पेरेंट्स मुझे एडवाइस दे रहे हैं मेरे स्टडीज के बारे में. आई एम बीइंग एडवाइस्ड. मुझे सलाह दी जा रही है. किसके द्वारा? बाय माय पेरेंट्स. किसके द्वारा? अबाउट माय फ्यूचर फर्दर स्टडीज. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट.